अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज आपको बताना है जी कि जो पेट आपने अगर रखे हुए हैं विंटर्स में, तो उनकी केयर कैसे करते हैं। मैं आपको भी ले चलता हूँ। मैंने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स रखे हुए हैं, कुछ फिशेज रखे हुए हैं, एक डॉगी है और कैट है। तो इन चारों का मैं बताता हूँ कि हमने क्या बंदोबस्त किया। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको पैरट। और ये देखें जी, पैरट्स को हमने रूम में रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर के अंदर है। ये दो पैरट्स हैं, इनका पानी का इंतज़ाम, खाने का, पर ये इसको टॉवल भी रखा हुआ है, रात को इसको क्लोज भी करते हैं, हीटर भी चल रखा हुआ है, यहाँ पे हमने हीटर भी चल रहा है, तो ये बड़े कंफर्टेबल हैं। अब देखें, बड़े हैप्पी रह रहे हैं। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं फिश। ये जी फिश है, हमारा एक्वेरियम है, मिनी एक्वेरियम है, और इसमें ये हीटर चल रहा है ताकि इनको ठंडा लगे। 28 तक टेम्परेचर पर ऑटोमेटिक ना चलता और बंद होता रहता है ये। अब आपको हम दिखाते हैं अपना जो डॉगी है, हमारा जो स्मोकी है, उसको हमने कैसे। अच्छा जी, जो हमारी डॉगी है स्मोकी, ये हम इसको रात को भी अंदर ले आते हैं और सुबह सुबह भी ये इधर ही होती है। और कंफर्टेबल सा ये इसका हमने नीचे वो एक कंबल भी है, एक छोटा सा वो रोई का भी गद्दा सा बना हुआ है, इस पर बैठती है। और डे को हम इसको धूप में निकाल लेते हैं। ये है जी हमारी स्मोकी। और दिन को इसका होता है कि ये नीचे कम से कम पीस होना चाहिए जिस पे ये बैठे, कारपेट का, ये इस तरह। अब ये थोड़ा से आपको खेल के दिखाएगी। ओके, कम चलो, यस, आजा, ये देखें, रुके। तो ये बातें हमारी बहुत मानती हैं, हमारी सबसे फेवरेट ये, और मेरी अम्मा जान की भी बड़ी पसंदीदा ये। बैठो, सिट, बस, ये देख। अब आपको दिखाते हैं कैट। कैट जो हमारा टॉम है, ये ट्रिपल कोटेड साइबेरियन पर्शियन कैट है। इसे मैं तो साइबेरियन टाइगर कहता हूँ, क्योंकि घर में मेरे अलावा सारों के साथ ठीक है, मुझको देख के बस टाइगर बन जाता है ये। इसका जी मोमेंट क्या है, हमने रखा हुआ बॉक्स, इसमें ये आराम से मूव कर। ये है जी हमारा टॉम, और इसको तो अंदर ही, बस ये तो बच्चों के साथ ही रजाई के अंदर ही होता है। ठीक है जी, ये जा रहा है ये। तो ये आपको मैंने आज बताया जी कि विंटर में पेट को कैसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि इसको एज ए मेंबर ही आप ट्रीट करते हैं तो ये ज़्यादा हैप्पी रहता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ज़्यादा एक बात, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।